हेलो दोस्तों, कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो सामाजिक विज्ञान का पेपर देने से पहले मात्र एक बार इस वीडियो को आप जरूर पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि कल के सामाजिक विज्ञान में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंठस्थ याद कर लो, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक राज की बात बताना चाहते हैं, जो भूल ही गया बताना। जैसा कि आपका जो मैथ का पेपर हुआ है, साइंस का पेपर हुआ है, उसका आंसर की जो है ना, वो बहुत पहले ही मतलब कि लीक हो जा रहा है, ठीक है ना। अगर आपको आंसर की चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नया चैनल का लिंक मिलेगा, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। आधा घंटा पहले, 35 मिनट पहले, 25 मिनट पहले उस पर अपलोड कर देते हैं हम आंसर की। तो जाकर सभी मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कर लो अगर आपको चाहिए तो। यह मतलब कि ज़्यादा वायरल करने की कोशिश मत करना, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वही जाकर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा इधर उधर प्रचार करने की कोशिश मत करिएगा। जैसे कि साइंस के सेकंड सेटिंग का ऑब्जेक्टिव आंसर की एक घंटा पहले ही भेज दिए थे। प्रथम पाली का भी भेजने वाले थे लेकिन जाम में फंस गए थे तो लेट हो गया भेजने में, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में भेज देते हैं, ठीक है ना। तो कल से जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें सबसे पहले आप लोगों के पास जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि एक बार देख लीजिएगा और एक बार जो ऑब्जेक्टिव आंसर की मिलेगा उसको भी देख लीजिएगा पूरा का पूरा, एकदम आप 80 में 40 टिक लगा कर आइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम क्वेश्चन को एक एक करके रट कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रांस में, इसको इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फ्रांस में क्या कह रहा है, फ्रांस में कह रहा है ना, फ्रांस में कह रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, बूर्बो वंश। आंसर आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाइएगा, बूर्बो वंश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, यूनान होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा, यूनान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। देखिए चर्चिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में इंग्लैंड नहीं है, लेकिन आप लोग इंग्लैंड याद रखो, अगर एग्जाम में पूछेगा तो इंग्लैंड ऑप्शन में देखना कहाँ पर है, तो आप इंग्लैंड पर टिक लगाइएगा। वंश संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया, तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। आंसर क्या होगा, आंसर आपका बी नंबर वाला सही उत्तर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं। आंसर आपका सी नंबर का, क्लोन बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे, कहाँ के, तो कंबोडिया के। आंसर आपका क्या होगा, कंबोडिया, डी नंबर होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो 1878 ईस्वी में पारित हुआ। आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो इसका आंसर आप याद देखिए लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। आंसर याद देखिएगा सी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913, ये तो बता ही दिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर एक बार आप लोग देख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की, एक बार इस क्वेश्चन को जाकर देख लेना, हमें कन्फर्म नहीं हो पाया लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जूट मिल स्थापित कहाँ हुआ, तो पश्चिम बंगाल। आंसर आपका बी नंबर होगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, 1870 ईस्वी में। आंसर आपका डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, तो बंगाल बजट। आंसर क्या होगा, आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। आंसर बी नंबर होगा। भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान था, तो देखिए इनका सभी का, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, सभी का आंसर होगा। संघ सरकार का उदाहरण क्या होता है, अमेरिका होता है। आंसर याद रखना, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसतम आबादी को आधार मानती है। एक बार देख लेना क्वेश्चन को, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि सारे छात्र इस क्वेश्चन को याद कर ले। अगला क्वेश्चन, ताली बडोरी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश। आंसर सी नंबर होगा। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना, 2005 ईस्वी में। आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, 19 नंबर, भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है, तो लगभग 60 वर्षों का है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कितना, 22 नंबर है ना, 22 नंबर का रहा है क्वेश्चन, ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है, तो महिलाओं की शायद हमें लगता है 15% है, 15% ही है, आपका आंसर ए नंबर ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब और कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित देश कहलाता है। आंसर आपका 24 का बी नंबर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के हम लोग भारत में वित्तीय वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जबकि बिहार का सबसे कम है, ठीक है ना, याद कर लेना।
अगला क्वेश्चन है विनिमय, विनिमय के रूप है, विनिमय के रूप क्या है, क और ख दोनों हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, आंसर क और ए और बी दोनों होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो हार्टले बिट्स के अनुसार आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में क्षेत्रीय बैंक की कार्यरत शाखाएं, अगर संख्या पूछेगा तो 5 पर टिक लगेगा, अगर पूछेगा बिहार में क्षेत्रीय बैंक की कार्यरत संख्याएं तो 5 होगा, लेकिन यहां पर संख्याएं पूछा तो थोड़ा कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में, एक बार इस कन्फ्यूजन को डाउट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है तो 26%, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी के लावा के प्रवाह से हुआ था, आंसर आपका ए नंबर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है ना, नीला ग्रह आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया, तो वनों को 3 भागों में बांटा गया, आंसर होगा बी नंबर। इनमें से कौन लयुक्त खनिज का उदाहरण, लयुक्त खनिज का उदाहरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम फटाक से कमेंट करके बताओ, तो ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बताए हैं। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, असम यानी कि डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 39 में सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों के सहायता देने के लिए करती है, तो न्यूनतम सहाय मूल्य, अधिकतम सहाय मूल्य, तो अधिकतम तो होगा नहीं, माध्यमता न्यूनतम ही होगा, न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है, तो टिस्को होगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर बी नंबर वाला होगा, ठीक है ना। फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो सर्वाधिक रोहतास जिला में होती है, रोहतास जिला में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन उच्च उच्च प्रदर्शन के लिए हेचूर विधि का विकास किसने किया था, लेहमान ने किया था। नदियों में बाढ़ काने का प्रमुख कारण, इनमें सभी हो जाएगा, आप लोग मर्डर पेपर में देखे होंगे ऑप्शन नंबर डी में, इनमें से कोई नहीं दिया है, तो आप याद रखिएगा, और आपके एग्जाम में इनमें सभी देगा, तो इनमें सभी के कारण होता है, आंसर याद रखना, ठीक है ना। सूखे के लिए जिम्मेदार है, तो सूखे के लिए जिम्मेदार क्या है, वर्षा की कमी। अगला क्वेश्चन महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो चक्रवात के नाम से जाना जाता है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए, आंसर क्या होगा, आयताकार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। तो रियली में दोस्तों, अगर आपको सुबह में यानी कि 9 बजे के पहले आप थोड़ा मतलब कि वेट करके एंट्री करिएगा, 9:15 में आप लोग एंट्री करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 9:15 के पहले ही हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो एक बार देख कर जाइएगा उस ऑब्जेक्टिव आंसर की को, ठीक है ना, केवल आंसर की आप देख लीजिएगा ना, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, और फटाफट जाकर वही टिक लगा दीजिए, तो जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी पर अपलोड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम छात्र यूट्यूब मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो उन लोगों के लिए बनाए कि उन लोगों को भी मिल जाए, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए उनके लिए वो यूट्यूब चैनल बनाए, तो जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना, सुबह में हम आपको भेज देंगे, प्रथम द्वितीय दोनों पाली का भेज देंगे, ठीक है ना।